सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं थोड़ा रूम से थोड़ा सा दूर आई हूँ और यहाँ पे एक लोकेशन है मेरे पीछे, वहाँ पे गई है पूजा। पूजा हमारी जो लैंड लेडी है उनकी बेटी है। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा मेरा फ्रंट कैमरा मोबाइल का बिल्कुल ब्लर सा हो गया है, तो अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो बढ़िया है, ये व्यू बहुत सुंदर है, एकदम एक नंबर। और गर्मी हो रही है यहाँ पर, ऐसे नहीं कि हम लोग पहाड़ में गर्मी नहीं हो रही, गर्मी हो रही है, बट स्टिल आपका प्लेन से मैदानी क्षेत्रों से बेटर है। मैंने एंटॉक की सर्विसिंग कराई है प्रॉपर तरीके से, ये लिवर्स में भी कवर लगाए हैं, ये भी कवर है, फिल्टर चेंज हुए हैं, बेल्ट इसकी चेंज हुई है, ब्रेक शू, एंड ये यहाँ पर एक रबर सी कुछ है, मतलब क्या है, बार बार ये आ जा रहा है। चलो एनीवे ठीक है। क्या नाम है आप लोगों के? पहचाना मुझे? पहचाना? लेडी आई थी, उनको मैंने ड्रॉप करा और अभी मैं उनको छोड़ के वापस ही आ रही हूँ। थोड़ी रोड एक्चुअली बजरी मतलब रेता टाइप का मिक्स है ना, कुछ बच्चे भी मिले थे शायद, पहचान रहे थे मुझे। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, बढ़िया व्यू है। स्टेबिलिटी नहीं होगी ज़्यादा क्योंकि रोड भी ऐसी है और यार मोबाइल भी ऐसा ही अपना बढ़िया। देखिए वॉक कर रहे हैं, मुझे इंस्पायर होना चाहिए इनसे और मैं स्कूटी में, यार कृपया मोड़ों पर सावधानी से रहे। ये बच्ची कुछ कर रही है तो मैं इससे बात करती हूँ। हेलो, क्या तोड़ रही हो? ये तो कच्चे होंगे, लात खिला मुझे एक, थैंक यू। पहचाना? नहीं नहीं पहचाना। थैंक यू बच्चों। कौन है वहाँ पहचानने वाला मुझे? अरे क्या बात, तुम लोग खुद से तो लाते हो नहीं मेरे लिए, देखो मुझे आना पड़ रहा है। थैंक यू, बाय। चलो नाशपाती ले लिया मैंने, बच्चे लोग नाशपाती तोड़ रहे हैं पेड़ों में, बहुत रिस्की काम है बट यहाँ हो रहे लाल लाल, बट ये है कि इनको एक्चुअली हैबिचुअल है। यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे जय हो। पनीर लेना है, पता नहीं पनीर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं देख लेती हूँ। बट ये सबसे गंदा लगता है मुझे, देखो ये कूड़ा, यार कूड़ा मत करो। कितना सुंदर हमारा पहाड़, ये वाला फूल अच्छा लग रहा है ना, नाइस। तो यहाँ पूछ लेंगे पनीर मिलेगा क्या, आई डोंट थिंक सो कि मिलेगा, नहीं यहाँ नहीं मिलेगा। आज बाइक से आई हूँ मैं, आकांक्षा गई है वहाँ बैंक, पिथौरागढ़ बैंक है। वेट करिए यार, बारिश भी होने वाली, मौसम ऐसा ही हो रहा है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आकांक्षा भी आ गई ऑफिस से, हमने पी अभी चाय यहाँ पर पीछे, ये जो आप स्टॉल देख रहे हो, मैं बहुत टाइम से यहाँ चाय पीती हूँ। और अभी हम लोग आज बाइक से हैं तो भी चलते हैं, चले। अरे यार कंफ्यूजन हो गया, दो दो चाबी थी ना इसमें, चलो चलते हैं। तो बस अभी हम निकल गए यहाँ से, कैमरा पकड़ा है आकांक्षा ने, कैमरा माने की मोबाइल। मौसम आज बढ़िया हो रहा है, बहुत टाइम हो गया था मैंने यहाँ की चाय नहीं पी। अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये पुलिस लाइन है, मतलब आगे जाके ना पुलिस लाइन और मंदिर। ये डॉगी देखो, हेलो हाय, गुस्सा बुड्ढू, अभी ये छोटा बच्चा था, अभी ये बड़ा, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है जैसे हम बड़े हो गए। ये है अपना पुलिस लाइन। और जब मैंने एंटॉक खरीदी थी ना, तो मैं पहली बार आई थी यहाँ पे पूजा करवाने, इस बार भी। अनुशासन ही जीवन है, वाह। ये मंदिर है भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थोड़ा ऐसे पकड़ो ताकि ग्रिप बनी रहे, ऐसे ग्रिप बनी है भाई, डर लग रहा मोबाइल गिर गया था, कीचड़ कीचड़ हो रहा है यहाँ पर। मेरा चलता फिरता गोप्रो आकांक्षा है ना, तो ये मैंने मंगाया था अमेज़ोन से UMI का बीन्स। और बीन बैग को आए हुए करीबन 6-7 साल हो गए हैं, बट एक बीन पहले मंगाया था 1 किलो का। और हेलो, नहीं नहीं तेरे लिए नहीं,
बीन बैग में बीन्स भर दी हैं, कपड़े नहीं हैं, और कपड़े नहीं इसमें, पहले हम कपड़े भरते हैं और आकांक्षा इसमें बैठ के मजे, एकदम मज़ा आ रहा है आकांक्षा को, वाह। पर इसको लग रहा है थोड़ा हमने ज़्यादा भर दिया है, ज़्यादा लग रहा है क्या? नहीं मुझे तो खड़े होना, ऐसे ही तो होता है यार, ऐसे ही तो होता है, जैसे ये है ना ये। बैठूं? कमेंट करके बताना गाइस कैसा लग रहा है। बोलते हैं ना हर किसी का दिन आता है, तो आज इसका दिन आया। यस, आम का चक्कर फंस गया क्या? एडी को भी दवाई दी है, एडी ने अपने आप को ना गाइस ऐसे चाटते रहता है, देखो पैर में कैसे घाव कर दिए हैं चाट चाट के यार। सो अभी मैं और एडी निकले हैं वॉक के लिए, एडी फ्रेश हो जाएगा, मौसम भी सही है, इधर इधर आओ, चलो चलो। तो एडी हो गया फ्रेश, बहुत ज़्यादा ड्रम दिख रहा था फ्रेश फ्रेश होने के लिए, पता नहीं कभी कहीं कभी कहीं चले, मन नहीं भरता इसका एक्चुअली, इसको ऐसा ओपन यहीं पे मिला ना यार चंपावत में आके, नहीं तो ये कम ही घूम पाता था। चलो चलो चलो, कमला जी नहीं दिख रही हैं, हमारी नेबर हैं बहुत अच्छी हैं। चलो क्या हो गया मटकू, ए मटकू मटकू नीचे देख के चलता है बस, क्या देखना है, चलो। 2000 years later. So hello guys, कैसे हैं आप सब? I hope मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी मैं हूँ खेतीखान रोड पे, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। तो ये रास्ता सर्किट हाउस भी जाते हैं। तो गाइज दवाई लेनी है एडी के लिए, उसकी तबीयत सही नहीं हो रही है, कुछ फंगल इन्फेक्शन हो रहा है यार उसको पैर वैर में, तो बस वो ले लेती हूँ। यह है अपना रास्ता जो कि खेतीखान जाता है, खेतीखान निकलता है। आज मैं अनटॉक पे हूँ, बढ़िया वेदर, बढ़िया है, धूप है, गर्मी हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। अच्छा मुझे लेकर आई है शॉपिंग कराने के लिए। हाँ आकांक्षा किचन में आइसक्रीम की तैयारी हो रही है और आइसक्रीम खाएंगे हम, और आइसक्रीम जो होती है ना आइसक्रीम। सो हम लोग आ गए घर, है ना, वो टूट गया था तो वो लेकर आए हैं, और आइसक्रीम भी लेकर आए हैं, केसर पिस्ता वाला फ्लेवर है, तो वो खाएंगे बढ़िया से, मन कर रहा है थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम खाने का। एडी की मैं डिवॉर्मिंग की मेडिसिन लेकर आई हूँ, और जो फंगल इन्फेक्शन सा हो रहा है पैरों में उसकी भी दवाई लेकर आई हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड आई होप ठीक हो जाएगा। ये देखो आइसक्रीम कहाँ है एडू, लो आइसक्रीम, लो लो, वो आ गई है आइसक्रीम गर्ल। चुका है धरने पर, धरना प्रदर्शन, आप देख सकते हैं कैसे बैठा है एडी, और इसको नहीं देना है क्योंकि इसकी दवाइयाँ चल रही हैं, और मीठा तो बिल्कुल नहीं देना है, ओके, नो मीठा, नो मीठा। एडू सुनो, लो मेरे पास है, मैं दूंगी, आ जा आ जा। यार यहाँ तो ठंडी हवा चल रही है, इसको गर्मी क्यों लग रही है? 2000 years later. So hey guys, good morning, कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं जहाँ पर हूँ यह है गौरल चौड़ ग्राउंड, जो कि है चंपावत में, और यहाँ पे लग रहा है गुलजू महोत्सव। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तैयारियाँ हो रही है, वो बन रहा है स्टेज, और यहाँ पे भी है कुछ कुछ झूले वूले, काफ़ी कुछ होने वाला, स्टार नाइट भी होने वाली है। तो अगर आप लोग चंपावत में हैं या नियर बाय हैं तो ज़रूर इस महोत्सव में पार्टिसिपेट करें। 4 साल के बाद आएगा, ये हो रहा है बीच में 4 साल, हाँ 4 साल का गैप लगा था। तो ये देखिए यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं, यहाँ पे झूले लग रहे हैं, ड्रैगन ट्रेन वगैरह है, और इधर पूरे स्टॉल्स लगेंगे, और यहाँ स्टेज है, ऑसम। तो गोलजू महोत्सव में जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे बीच आ चुके हैं, बहुत सुंदर। दीप प्रज्वलन, जो लोग हमारी आवाज सुन रहे हो आप सभी से हमारा निवेदन है, मंच के सम्मुख कुर्सियों में अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे, सभी सम्मानित अतिथि अभ्यागत। गाइस हम लोग हैं गोलजू महोत्सव में, और मेरे साथ हैं कौन है, दीपा जी है मेरे निशा साथ, जी है मेरे साथ, दीपा जी और निशा जी, और आकांक्षा भी गई है कहीं, उसको स्टॉल वगैरह लग रहा है। देख सकते हो झूला वगैरह अभी सब स्टॉल सेटअप हो रहा है, मेला की शुरुआत हो रही है, और हम इधर उधर देख रहे हैं। पहले हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, मेन वो है स्टेज, अभी इनॉग्रेशन हो चुका है, कैमरा पकड़ा है दीपा जी ने, अभी मेले की शुरुआत हो रही है, ज़्यादा शुरुआत हुई नहीं है, और वहाँ पे स्टेज है अभी तैयारियाँ चल रही है। सो अभी कुर्सियाँ वगैरह भी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, शायद शाम का ही इवेंट है तो शाम को ही लोग बैठेंगे, तो देखते हैं कैसा क्या रहेगा।
मेरे को तो थोड़ी भूख लग रही थी तो हमने पकौड़ी खाई, इन्होंने पकौड़ी नहीं खाई। नहीं खाई ना पकौड़ी आपने? नहीं, मैं नहीं। क्यों नहीं खाई फिर? बाहर नहीं खाती हैं। चलो बैठ जाते हैं यहाँ पर। हाँ। पूरा अभी पूरा सब कुर्सियाँ खाली हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। शाम को शुरू होगा मेला तो शाम को भी हम आएंगे, बच्चों को भी लेके भी आएंगे एक दिन। सो अभी हम लोग जा रहे हैं गोलजू महाराज जी के दर्शन करने के लिए और गोलू देवता के दर्शन करेंगे और दीपा जी को दर्शन कराने हैं। हाँ। आपने पहले दर्शन करें कभी? नहीं किया। पहली बार दर्शन करेंगे दीपा जी। जय गोलजू महाराज, जय गोलजू धाम। ये है गोलजू धाम, गोलजू मंदिर जो कि स्थित है चंपावत में। बहुत ही सुंदर धाम है, बहुत ही खूबसूरत। सो दर्शन कीजिए और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। कभी भी चंपावत आए तो जरूर दर्शन करें, जैसे कि दीपा जी ने करा। है ना? सो गाइस, आज मेरे साथ उनका नाम है जीएस मोहन जी। आप हैं क्रिमिनल लॉयर जो कि पीलीभीत में है, पीलीभीत कोर्ट में। तो बताइए जीएस मोहन जी, कैसा लग रहा है आपको चंपावत आके? ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक हेवन, जस्ट लाइक हेवन। और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल सिटी एंड सो ब्यूटीफुल पीपल। ओह थैंक यू सो मच। तो यू आल्सो, थैंक यू सो मच। तो जीएस मोहन जी बहुत ही इनका अच्छा नेचर है और नेचर लवर है, और आपने इतनी अच्छी बातें मुझे बोली। टुडे हियर इज रेनिंग, ओके, एंड द क्लाइमेट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्लीजेंट। आई लाइक इट, आई लाइक इट वेरी मच। और आप इनके इनके साथ, हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कौशल। ये हमारा गाइड भी है और हमारा फोटोग्राफर भी है। क्या बात है, तो कहाँ कहाँ घुमा दिया आपने? गाइड भी है, फोटोग्राफर भी है। ओके, और आईडी अंदर से। आज मेरे डॉग की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, पैर में उसका पेन हो रहा है। तो ओके जीएस मोहन जी, हम पीलीभीत जरूर आएंगे, थैंक यू, आपसे मुलाकात करेंगे दोबारा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।